हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कोरने वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से व्रत की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। उस परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा जीवन नहीं जो दो दिन का है, तीन दिन का है, चार दिन का है, पांच दिन का है, छह दिन का है, ऐसा जीवन नहीं, हजार साल का अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया मेरे प्रियजनों। आज बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के पीछे आए हैं, यीशु मसीह के पीछे आए हैं, तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को, आपकी जरूरतों को, आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, अद्भुत काम करता है, मिराकल करता है, जो आप अपनी आंखों से देखते आए हो। यीशु मसीह चमत्कार करता था, आज भी करता है मेरे प्रियजनों। और आपके जीवन में हमारा परमेश्वर काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, मिराकल करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। यदि आपका विश्वास होगा तो करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करोगे तो आज आप परमेश्वर के कामों को देखोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, संदेह कर लेते हैं, सोचते रहते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, शायद मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अरे आपस में ही गणित लगाते रहते हैं, गोड़ा भाग लगाते रहते हैं, सुनने वो परमेश्वर से नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का सहारा नहीं लेते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप यीशु मसीह के पीछे आए हैं, परमेश्वर के पीछे आए हैं, तो यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपकी चाहे जितनी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, या गिल्टी है, या रसोली है, पथरिया है, बीमारियाँ हैं, तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि आप आ जाए हो परमेश्वर की हुजूरी में, यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आपके कान में आवाज़ जा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ, आज आप बदल जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, आपका घराना बदलेगा। यीशु मसीह से बोलूँ, अरे परमेश्वर ने कहा है, मैं तो तेरी मन की बातों को जानता हूँ, तेरी इच्छाओं की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ, क्या मैं तुझे नहीं दूंगा, अरे तुम मुझसे मांग। लोग मांगते हैं, चिल्लाते हैं, वो शायद सोचते हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है, इतने साल हो गए प्रार्थना करते करते, शायद परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, मेरी ये बीमारी है, वो बीमारी है, चिल्लाते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे परमेश्वर के पीछे आए हो, क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है, क्या हो सकता है, मैं जानता हूँ, तो क्यों चिंता करता है? देख, मैं तेरे रोगों को, तेरे दुखों को, तेरी बीमारियों को निश्चय मैंने अपनी देह पर ले लिया, और तू चिंता करता है, तू टेंशन लेता है। देख, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगाई दूंगा, बड़े कामों को करता हूँ, या तू मुझसे मांगेगा तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दूंगा आज की रात मेरे परमेश्वर। आज बोलो परमेश्वर को, बोल दो आज परमेश्वर को, बोल दो यीशु मसीह को, अरे कुछ नहीं छिपाना है, नरसिंह का सब निकालना है। आज बोल दो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, मैं बोल रहा हूँ, और परमेश्वर आपको चेंज करेगा, आपके घर पर वाले बदलेंगे, आप बदलोगे। लोग चिल्लाते हैं, उनके घर में आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों को कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही है, वे भटक चुके हैं बीमारियों में, आज डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं। अरे आज अगर आप हमारे परमेश्वर के पीछे आए हो, यदि आप यीशु का नाम लेते हो, तो हमारा परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, अनंत काल का जीवन देगा। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बड़े कामों को करता है, जो आप देखोगे बड़े काम को करता है परमेश्वर। लोग चिल्लाते हैं, चिंताओं में हैं, कोई तो रो रहा है, कोई तो बिलख रहा है, कोई तो गरीबी में है, कोई तो बीमारियों में है,
कोई तो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लड़ाई झगड़े में लिप्त है, तो आज आप यीशु के पास आए हो तो देख लेना मेरा परमेश्वर आपको बदल देगा, ऐसी शांति देगा कि आपको नहीं देगा। अरे मांगो, आज मांग के देखो परमेश्वर से, अपनी शांति आपको देगा, अपनी शांति आपके लिए उंडेल देगा मेरे परमेश्वर, उंडेल देगा मेरे प्रियजनों, उंडेलेगा। यदि आप बोलोगे परमेश्वर से तो आज आप बदलोगे। आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाएगा। बोलो आज यीशु मसीह से, परमेश्वर से बोल दो, अरे गंदी आत्मा, बद्रोही दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से, आपके घर से आज जाएंगी, आपके आशीष को छोड़ेंगी। जो दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है आपके घर में, तो मैं बोल रहा हूँ आज जाएगी यीशु नासरी के नाम में। आज रूह आपको छुएगी, आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, जो पवित्र पाक रूह है हमारा परमेश्वर आजाद कर देगा, आपको आजाद करेगा। बोलो आज परमेश्वर को, जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपके जीवन में होगा। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है, लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन कर रस्सी पढ़ना है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम में, मेरे परमेश्वर जितने लोग मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पर विश्वास कर सुन रहे हैं पिता, जो विश्वास कर रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ मेरे पिता, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, मेरे परमेश्वर आजाद हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, इनकी बीमारियां जाएं, गिल्टियां हैं, रसोलियां हैं, पथरियां हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, इनका घराना बदल जाए, यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाएं, आजाद हो जाए, आज यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाए, मेरे पिता आजाद हो जाओ, बोल के रसीब रामीन यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी जाएगी, जो बच्चे की आशीष नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में, ए दुष्ट आत्माओं, ए गंदी आत्माओं, छोड़ो उनके जीवनों को और जाओ 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 जाओ, यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं आज की रात मेरे परमेश्वर। जिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए पवित्र आत्मा, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, लड़ाई झगड़ा की गंदी आत्मा छोड़ और जाए इनके जीवन से यीशु नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, जो बीमारी है, जो समस्या है, कैंसर है, ट्यूमर है, पथरियां हैं, यीशु मसीह के नाम में जाएंगी, आप चंगे हो जाओगे, आप चंगे हो चुके हो, आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, आपका घर बदलेगा, आप बदलोगे, आपका जीवन बदलेगा मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन घरों में लड़ा झगड़ा हो रहा है पिता, जो लड़ा झगड़ा नहीं बंद हो रहा है, मैं लड़ा झगड़े की गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ, जो डाह करती है, लड़ा झगड़ा डालती है, आपस में फूट बिदर में, दुष्ट आत्माएं जाएं, लड़ा झगड़े गंदी डालने गंदी आत्माएं जाएं इनके जीवन से, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाएं, इनका घर बदल जाए आज की रात, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोखें बंद पड़ी है मेरे परमेश्वर, वे कोख खुल जाए आज की रात, बच्चे की आशीष स्वर्ग से ट्रांसफर हो जाए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है लड़के यहोवा ही देता है, बच्चे की आशीष परमेश्वर ही देता है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिलता है मेरे परमेश्वर, इन्हें बच्चे की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। जिन घर में लड़ा झगड़ा होता है, जो दुष्ट आत्मा है, काला जादू, हर एक करा धरा के बंधन है मेरे परमेश्वर, मैं डांट गंदी आत्माओं को, उन जादू टोना को मैं जलाता हूँ यीशु नासरी के नाम में, जल जाए जल जाए जल जाए मेरे परमेश्वर। जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं, वे सुने आज यीशु नासरी के नाम में, यीशु के नाम में बहरे अंधे देखे यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह में रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, लगता प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे प्रभु। मुझे आशा है, विश्वास है पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे से मृत्यु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते सुने और कबूल करेगा, आमीन।